शिव चौक पर बनाए गए कावड़ कंट्रोल रूम का आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान जगह जगह पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की नज़र से कावड़ रूट को चेक किया गया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जनपद मुजफ्फरनगर में हम हर तरीके से कावड़ यात्रा को सुरक्षा की दृष्टि से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जनपद के पूरा फोर्स कावड़ ड्यूटी में लगा दिया गया है। पीआरवी की जितनी भी गाड़ियां हैं सभी को कावड़ रूट पर लगा दिया गया। जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। सीसीटीवी के अंदर 90 कैमरे लगाए गए हैं जहाँ कंट्रोल रूम के माध्यम से हम उन पॉइंट को चेक कर सकते हैं। हवाई सुरक्षा के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा गैन हर पर लगातार हमारी पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। देखिए, जनपद मुजफ्फरनगर में हम सभी तरीके से सुरक्षा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जल, नभ और वायु के द्वारा तीनों तरीके से हमारा पूरा प्रयास है। जनपद में सुपर जोनल, जोनल, सेक्टर, सब जोन करके मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स बनाए गए हैं। जनपद का अपना सारा फोर्स लगाया गया है। पीआरवी की जितनी गाड़ियाँ थी सभी को रीरूट करके कावड़ रूट पर लगा दिया गया है। पूरे जनपद में 200 किलोमीटर से ज़्यादा का कावड़ रूट है, उसको देखते हुए विभिन्न पॉइंटों पर हमने सीसीटीवी कैमरेज लगाए हैं। सिटी के अंदर 90 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे ऐसे हैं जो आईपी कैमरेज हैं, जो कि अधिकारियों द्वारा स्मार्टफोन के माध्यम से उन पॉइंट्स पे क्या हो रहा है किसी भी जगह से लगातार हम लोग चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो हाईवे के पॉइंट्स हैं, जो देहात क्षेत्र के पॉइंट्स हैं, वहाँ पे भी स्टैंड अलोन कैमरेज लगाए गए कि हम एक अच्छी सुरक्षा व्यवस्था और सफल और मंगल में उनकी यात्रा मुजफ्फरनगर जनपद से उनको अच्छे से पास करा सके, यही पूरा प्रयास। देखिए, जो जो मेन कस्बे हैं प्रत्येक कस्बे में ड्रोन लगाया गया है। अभी फिलहाल 3 कस्बे हैं तो तीनों कस्बों में एक एक ड्रोन के माध्यम से मॉनिटरिंग हो रही है और जैसे जैसे इसमें भीड़ बढ़ती जाएगी उसी तरीके से ड्रोन्स की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। देखिए, कोई इनपुट इस तरह का नहीं है। बाकी मेन यही चीज़ है कि क्योंकि मुजफ्फरनगर एक ऐसा जनपद है जो क्रॉस जंक्शन है, यहाँ पे 200 किलोमीटर से ज़्यादा का रूट है, तो पुलिस और प्रशासन द्वारा संपूर्ण सतर्कता रखी गई है और हमारा पूरा प्रयास यही रहेगा कि बहुत अच्छे से और बहुत मंगलमय तरीके से इस कावड़ व्यवस्था को, कावड़ मेले को जनपद मुजफ्फरनगर की पुलिस और प्रशासन निकाले। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।